नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे। स्वागत करता हूं आप सबका कांता एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काऊ को क्या नेशनल एनिमल बनाना चाहिए या नहीं। ये काफी कंट्रोवर्शियल इशू है, इसीलिए आपको बता दूं मैं यहां इस इशू पर कोई जजमेंट पास करने नहीं बैठा। मैं इस लेक्चर में आपको हर साइड के हर एस्पेक्ट के फैक्ट्स बताऊंगा। आप उन फैक्ट्स के बेसिस पर खुद डिसाइड करें क्या होना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई कंट्री किसी जानवर को नेशनल एनिमल का स्टेटस देता क्यों है। तो इसके लिए दो क्राइटेरिया बताए गए हैं। पहला क्राइटेरिया है कल्चरल सिग्निफिकेंस और दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटिंक्शन। टाइगर से पहले इंडिया का नेशनल एनिमल लॉयन हुआ करता था, बट बाद में देखा गया कि टाइगर्स तो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं चीता की तरह, तो इंडिया में फिर 1973 में टाइगर को नेशनल एनिमल का स्टेटस दे दिया गया। इससे टाइगर की प्रोटेक्शन को लेकर काफी अवेयरनेस बढ़ी, जिससे टाइगर को एक्सटिंक्ट होने से बचाया गया। सिमिलरली इसी से इंस्पायर होकर लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने स्नो लियोपार्ड को स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है। इससे इसको प्रोटेक्ट कर एक्सटिंक्ट होने से बचाने की कोशिश हो रही है। अगर हम काऊ को देखें तो इसे नेशनल एनिमल बनाने की बात होती है तो इसके लिए कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह को मेन बताया जाता है। आपको पता है कि हिंदू समाज गाय की पूजा करता है और इसमें अपने 33 कोटि देवी देवताओं का वास मानता है। बट जो काऊ के नेशनल एनिमल के बनने का विरोध करते हैं वो इस बात पर विरोध करते हैं कि काऊ के एक्सटिंक्शन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फिर इसे नेशनल एनिमल क्यों बनाया जाए। बट फिर काऊ के जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि बिल्कुल काऊ की जो देसी वैरायटी है, जो देसी नस्ल है, वो लगातार एक्सटिंक्ट हो रही है और यहां पर इसीलिए गांव जो गाय है यानी काव है जो उसके केस में इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है और यहां पर देसी वैरायटी जो एक्सटिंक्ट हो रही है तो एक्सटिंक्शन का भी केस है। इस तरीके से काव को नेशनल एनिमल का स्टेटस मिलना चाहिए क्योंकि ये दोनों के दोनों क्राइटेरिया को ही फुलफिल करता है। इसके बाद काऊ के सपोर्टर्स ये भी कहते हैं कि नेशनल बर्ड के केस में तो पीकॉक यानी मोर है, इसमें तो इसके एक्सटिंक्शन का कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। अगर एक्सटिंक्शन के बेसिस पर ही किसी को नेशनल बर्ड बनाना था तो हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को चुन सकते थे, बट यहां पर हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नहीं चुना जो एक्सटिंक्शन के कगार पर है। फिर यहां पर अगर हम एक्सटिंक्शन के इशू को इग्नोर कर पीकॉक को कल्चरल सिग्निफिकेंस के आधार पर नेशनल बर्ड का स्टेटस दे सकते हैं तो काव को सिर्फ कल्चरल सिग्निफिकेंस के बेसिस पर यहां पर नेशनल एनिमल का स्टेटस क्यों नहीं मिल सकता। बट काव को कुछ लोग नेशनल एनिमल बनाना ही क्यों चाहते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर काव को नेशनल एनिमल बनाने से उनको वैसे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होना, बट यहां पर वो ये चाहते हैं कि काव की स्लॉटरिंग रुक जाए यानी हमारे देश में गाय की हत्या ना की जाए। देखिए दोस्तों, हर सोसाइटी में फूड टैबू होता है जिसका सम्मान होना चाहिए। अगर हम सोसाइटी के लेवल पर देखें तो राइट टू ईट इज नॉट एब्सोल्यूट, और यहां पर यह भी कहा जाता है कि फाउंडेशन ऑफ पीस इज फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस इज पीस। तो यहां पर देखिए दोस्तों, गाय को काटना और फिर खाना हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने जैसा है और इसीलिए काऊ को नेशनल एनिमल का स्टेटस मिलते ही इसकी प्रोटेक्शन करना सबकी जिम्मेदारी हो जाएगी, जिसकी वजह से काऊ की स्लॉटरिंग को बैन करना ही पड़ेगा और किसी भी कीमत पर काऊ की स्लॉटरिंग को नहीं होने दिया जाएगा। तो यहां पर काऊ को नेशनल एनिमल बना करके इसकी स्लॉटरिंग को रोकने का पूरा यहां पर पर्पज है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, यहां पर जो काऊ को नेशनल एनिमल बनाना चाहते हैं वो कहते हैं कि देखिए कल्चरल सिग्निफिकेंस में कितना जो गाय है वो रिप्रेजेंट करता है कंट्री को किस किस तरीके से। तो वो कहते हैं कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर गाय जो है कृषि प्रधान देश होने को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती है बजाय की टाइगर के। इसके अलावा इंडिया के लोग जो है वो पीस लविंग पीपल्स होते हैं,
होते हैं और गाय जो होती है वो भी पीस लविंग होती है, वो भी किसी पर अटैक नहीं करती। भारत ने कभी भी किसी देश पर हमला कर उसके देश की जमीन पर कब्जा नहीं किया है और ये गाय जो है उसके नेचर से मिलता जुलता है। तो इस तरीके से कल्चरल सिग्निफिकेंस को शो किया जाता है कि गाय को हम नेशनल एनिमल बना दें। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस की भी बात होती है। इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस में दो इंपॉर्टेंट चीजों को मेंशन किया जाता है, एक है A2 वर्सेस A1 मिल्क। देखिए दोस्तों जो देसी ब्रीड है हमारी वही सिर्फ A2 मिल्क दूध देती है जो कि हेल्थ बेनिफिशियल होता है और A1 मिल्क जो होता है वो वेस्टर्न कंट्रीज की जो फॉरेन ब्रीड्स हैं उनसे वो दूध मिलता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, इससे कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो यहां पर देसी ब्रीड का जो दूध है वो एक्चुअली में जो फॉरेन ब्रीड की गायों का दूध होता है उससे अच्छा होता है। इसके अलावा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जो ऑर्गेनिक खाद तैयार की जाती है वो सिर्फ देसी गाय के डंग से ही तैयार की जा सकती है। इसके अलावा किसी और गाय का जो गोबर है उसका इस्तेमाल कर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अकॉर्डिंग हम खाद नहीं बना पाएंगे। तो ये इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा दोस्तों जो काउ को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करवाना चाहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन को भी कोट करते हैं और उसमें से मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आर्टिकल 44 डीपीएसपी का पार्ट है और यह कहता है कि काउ ब्लॉक की स्लॉटरिंग को स्टेट को बैन कर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों समय समय पर कई हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स हैं उन्होंने भी काउ को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करने की टिप्पणी की है, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली कहा था कि काउ को नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही कहा था कभी किसी समय। इसके बाद से दोस्तों देखिए इस तरीके की काफी सारी जो चीजें हैं वो होती रहती है और ये मुद्दा इंडियन पॉलिटिक्स में बनता रहता है। कई सारे एमपी भी यहां पर मेनली जो बीजेपी से आते हैं वो काउ को एज अ नेशनल एनिमल डिक्लेयर करवाना चाहते हैं। बट दोस्तों इतने सारे लॉजिक्स होने के बावजूद भी कुछ फैक्ट्स ऐसे आते हैं सामने जो इमोशनली तो परेशान करने वाले हैं बट फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अगर यहां पर हम ये देखें कि काउ को क्या नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर देने से जो उसका नेटिव ब्रीड्स का जो डिक्लाइन हो रहा है वो रुक जाए तो ऐसा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि दोस्तों जो रीजन है डिक्लाइन ऑफ नेटिव ब्रीड्स का वो काफी डिफरेंट है और किसी भी तरीके से नेशनल एनिमल बना देने से इन रीजंस को हम एड्रेस नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों हमारे देश में देसी गाय की जो ब्रीड्स है वो कम हो रही है क्योंकि इसका लगातार क्रॉस ब्रीडिंग किया जा रहा है एक्जोटिक ब्रीड से। इसके बाद से ये इकोनॉमिकली लेस वायबल है, इसका मतलब कि ये काफी कम दूध देती है, इसकी प्रोडक्टिविटी काफी कम होती है। साथ ही साथ दोस्तों जो ग्रासलैंड की जो क्षेत्र है वो भी देश में कम हो रहा है, इससे भी गायों की संख्या कम होती जा रही है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर का काफी ज्यादा मैकेनाइजेशन हो चुका है, तो इन फैक्टर्स के कारण जो देसी गायों की वैरायटी है वो हमारे देश में कम हो रही है और गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करके इन सारे प्रॉब्लम को तो एड्रेस नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब कि इससे हम यहां पर जो गायों की जो एक्सटिंक्शन है वैरायटी उसको हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे और अगर हम यहां पर नेशनल एनिमल बना देते हैं तो कुछ चीजें इतनी सीवियर हो सकती हैं कि उसको यहां पर देखिए आप, इससे क्या होगा जो फार्मर्स के लिए बर्डन होगा वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मीट इंडस्ट्री और लीदर इंडस्ट्री को भी नुकसान होगा और दोस्तों अगर नेटिव ब्रीड्स को हम यहां पर स्लॉटरिंग बैन कर देते हैं तो यहां पर फार्मर्स जो है वो गाय की बजाय बिफेलो पालेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि बिफेलो को वो बेच सकते हैं मार्केट में जब वो दूध नहीं देगी स्लॉटरिंग के लिए, लेकिन गाय के केस में ऐसा होगा नहीं तो वो गाय को ना पाल करके फिर बिफेलो को प्रेफर करना शुरू कर देंगे और ये बात दोस्तों गवर्नमेंट भी जानती है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है काउ को नेशनल एनिमल डिक्लेयर नहीं कर पाएगी। बट यहां पर लोगों के सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं और इन इनिशिएटिव्स के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे देश की देसी गाय हैं
उन पर रिसर्च कर रही है और उनकी इंपॉर्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर गवर्नमेंट का टोटल मोटिव ये है कि देसी गायों का अल्टरनेटिव कोई बिफेलो या कोई फॉरेन ब्रीड ना हो, उसकी ऐसी खूबियां हम फाइंड आउट कर ले, जैसे A2 मिल्क केस में और ZNBF यानी जीरो नेचुरल बजट फार्मिंग के केस में हमने फाइंड आउट की है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चला रखे हैं। एक है स्वरूप, इसमें हम पंचगव्य पर रिसर्च कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक है सूत्रापिक, इसमें हम इंडिजिनस काउज की यूनिकनेस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल काफी पॉजिटिव साइन है काउ को लेकर के। और यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमने सारे फैक्ट्स को कवर कर लिया है। अब दोस्तों आप हमें बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया जाए या नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी UPI ID की डिटेल और अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर दी हुई है, इसको नोट डाउन करके आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। हम आपके अत्यंत आभारी होंगे आपके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए।